से संस्था का मन था कि कर्नल साहब की मूर्ति का अनावरण होना चाहिए, और आज वो शुभ दिन है। आज हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पधार रहे हैं, भाई देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन अमाना साहब पधार रहे हैं, कर्नल साहब के बड़े पुत्र खुद यहाँ पधार रहे हैं, उनके परिवार के बाकी लोग भी आए हैं। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक रहा कि हमारी बच्चियों के लिए बोर्डिंग स्कूल बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो बूंदी में आने वाला है। ये बहुत बड़ी घोषणा है बूंदी जिले के लिए। सर, सर आज ही का मंत्री पधारे थे आज राजस्थान के अंदर, देवेंद्र सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में गुजरों पर गोलियां चलाई है और वो इतिहास में लिखा गया है, वो कभी मिट नहीं सकता। भाई, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई भी परिस्थिति बनी, ऐसा नहीं कि परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के राज में नहीं बनी, बनी, लेकिन कभी लाठी तक नहीं उठाई। वो भी आज गोली दे गए, आए भगवान का आशीर्वाद जो आम जनता के लिए था वो खुद ले गए, और लोगों को बहुत उम्मीद थी, पूरे राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में गए थे कि देश के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, अगर पधार रहे हैं तो कोई ना कोई संदेश देंगे, कुछ ना कुछ समाज को बड़ा तोहफा देंगे, और ऐसी उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब पूरा देश इन सब लोगों ने वोट देकर उनको जिताया है, राजस्थान से 25 MP जिताए हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट देकर प्रधानमंत्री उनको चुना है, सबसे ज़्यादा सीटें दी है, तो इनका अधिकार बनता है कि हमारे भगवान देवनारायण के मंदिर में अगर आ रहे हैं तो कुछ तोहफा समाज को देकर जाएं। लेकिन आज वो खाली हाथ ही रख गए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो उम्मीदों के साथ कोठाराघात हुआ है वो तो हुआ ही है। सर, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आए? वो तो समय बताएगा कौन क्या राजनीति कर रहा है और किसको क्या उपलब्धि होने वाली है। लोग काम को पहचानते हैं, जो काम नहीं करेंगे केवल झांसा देंगे वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, जो काम करेंगे सेवा का और समर्पण का भाव जनता के प्रति रखेंगे वो ही लंबे दौर तक टिकेंगे। थैंक यू।